YTBNs की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में मनाली के बारे में। एक क्यू एंड ए के तौर पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्यू एंड ए मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और एक क्वेश्चन जो रह गया था, किसी ने पूछा नहीं, उसका जवाब मैं खुद आपको देने वाला हूँ। आज आपको बताऊँगा इस अक्टूबर की सिचुएशन में और आगे आने वाले महीनों में अगर आप मनाली जाना चाहते हैं वाया दिल्ली या वाया किसी अदर स्टेट, तो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में उठ सकते हैं, जिनके जवाब आपको चाहिए ही चाहिए। तो YTB भारत चैनल पर जैसा हमेशा की तरह बेबाक मैं रिव्यू देता हूं, आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूं जो आपको चाहिए, आज इस सीरीज़ में मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि YTB भारत चैनल पर कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। किसी भी तरह से हम कहीं भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। जो भी आपको आंसर दिए जाते हैं वो मेरी अपनी खुद की पर्सनल ओपिनियन होती है। किसी भी तरीके से मैं कन्विंस होकर के वो आपको आंसर नहीं दे रहा होता हूं। तो आपका ये ट्रस्ट हमेशा YTB भारत चैनल पर इसी तरह से बना रहे, इसी के विश्वास के साथ आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चनों के अंदर ये है, चंद्रभान जी ने पूछा है, क्या अभी COVID-19 रिपोर्ट ज़रूरी है? तो चंद्रभान जी, COVID-19 की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश के अंदर विदाउट COVID-19 रिपोर्ट के एंट्री कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। और आगे आने वाले समय का तो पता नहीं है, अभी अक्टूबर 2020 चल रहा है, आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अभी के सिचुएशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है COVID-19 सर्टिफिकेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी कुमार यादव जी ने पूछा है कि भैया हमको 13 दिसंबर को सोलांग वैली में जाना है, क्या स्नोफॉल मिल जाएगा? तो सनी कुमार यादव जी, आप बहुत मेरे वीडियो पर पहले भी कमेंट करके पूछते रहे हैं और सारे सवालों के जवाब मैं हमेशा आपको देता आया हूँ। ये भी आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोलांग वैली में अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर महीने से लेकर के फेब मंथ तक जो है स्नोफॉल की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। दिसंबर के मिड से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है जो जनवरी के एंड तक जाती है, कि स्नोफॉल लगभग हर अगले दिन या हर दूसरे तीसरे दिन होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उस समय पर जाकर के गूगल वेदर में ये पता करिए कि स्नोफॉल किस किस दिन का प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है मनाली के अंदर, तो ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि 99% पॉसिबिलिटी कब है, किस डेट पे स्नोफॉल होने वाली है। वैसे अगर बात करें तो दिसंबर में ज़्यादातर स्नोफॉल होती ही होती है। आई थिंक आपको सवाल का जवाब आपका मिल गया होगा। कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं वीडियो पर कमेंट करके। नेक्स्ट है सवाल योगेश प्रसाद जी का। योगेश प्रसाद जी पूछ रहे हैं, भैया मुझे 20 दिसंबर के बाद जाना है, तो मैं अभी बुकिंग कर लूँ या कुछ दिन और का इंतज़ार करूँ, कृपया मेरी हेल्प करें। तो योगेश प्रसाद जी, जहाँ तक आपका सवाल है बुकिंग करने का, तो अगर आप अभी से बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि दिसंबर अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अच्छे होटल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि आगे आने वाला दिसंबर का जो महीना है, मेरे ख्याल से 2020 का सबसे पीक सीज़न होने वाला है, और मेरे को नहीं लगता कि मनाली का कोई भी होटल का कोई भी कमरा इस महीने में खाली होने वाला है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी से बुक कर लेते हैं तो कर लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बुक बाद में ही बुक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको जो होटल की रिक्वायरमेंट हो वो ना मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। बलजीत सिंह जी का क्वेश्चन है, सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, आई नीड फुल इंफॉर्मेशन। तो बलजीत सिंह जी, मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं आपको दो ट्रैवल एजेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। इनसे मेरा कोई भी किसी भी तरह का कमीशन नहीं है। आप मेरा बिना नाम लिए यहाँ पर जाकर के क्वेरी करिए, बुक करिए, और उसके बाद मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा आने के बाद, वो मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। और ये डिटेल मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, दो ट्रैवल एजेंट्स की, प्लूटो हॉलीडेज और इन द बास ट्रैवल, दोनों ही दिल्ली के बेस्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं। आपको अच्छे जेन्युइन रेट्स के साथ
आपको बिलीवेबल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं हमेशा इन्हीं से पैकेज लेता हुआ आया हूँ, तो आप भी इनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलजीत जी के बाद रोहन सोले का। रोहन सोले जी पूछ रहे हैं मुंबई से, एक ट्रैवलर हैं, मुंबई से जाना है तो कैसे जाएं। तो रोहन सोले जी, अगर आप मुंबई से जाते हैं तो अगर फ्लाइट लेकर के दिल्ली आ जाते हैं तो सबसे बेटर रहेगा। दिल्ली से तो ये हमेशा मनाली के पैकेजेस स्टार्ट होते हैं। दिल्ली में ज़्यादातर जो वॉल्वो चलती हैं वो आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन से चलती हैं, या उसका दूसरा जो पॉइंट है मेन वो है मजनू का टीला। तो दो पॉइंट से आप वॉल्वो पकड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप चंडीगढ़ से होकर के जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से भी आप वॉल्वो पिक कर सकते हैं। वाया फ्लाइट मुंबई से चंडीगढ़ आ जाइए या वाया फ्लाइट मुंबई से दिल्ली आ जाइए, जहां से भी आप लेना चाहते हैं फ्लाइट वहां से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है अक्की शर्मा जी का। तो अक्की शर्मा जी मुझसे पूछ रहे हैं प्लीज़ प्रोवाइड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पैकेज मेकर। तो अक्की शर्मा जी, मार्केट में बहुत सारे पैकेज बनाने वाले आपको मिल जाएंगे। गूगल में आप सर्च करेंगे तो मनाली के पैकेज बनाने वाले बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी से भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे खुद के जो मेरे ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनके थ्रू मैं लेकर के जाता हूँ, अगर आपका उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पर मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, और मेरे वीडियो के जो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप इन ट्रैवल एजेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर ले करके वहाँ से पैकेज बुक करवा के जा सकते हैं। अगला हम सवाल ले रहे हैं, ये है वीर माथुर जी का। बहुत लंबा सवाल है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पूछ रहे हैं सर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, हनीमून पैकेज लेना है मुझे, कौन सा पैकेज लूँ। कहीं लोग बोलते हैं जो कम अमाउंट का पैकेज है उसमें फ्रॉड होता है, वॉल्वो अच्छी नहीं होती है, होटल अच्छे नहीं होते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई मी, क्या करूं मैं। तो वीर माथुर जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछे लेकिन ये सवाल को मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, मैंने आपको जवाब भी दिया है। अभी जो मैं आंसर दे रहा हूं सभी व्यूवर्स के लिए दे रहा हूं। दोस्तों मार्केट में हर तरह के पैकेज हैं। आपको अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो आपको 5,000 का भी मिल जाएगा, 4,500 का भी मिल जाएगा, आपको 7,500 का भी मिल जाएगा, और आपको 12,000 तक का भी पैकेज मिल जाएगा मनाली का। मेन जो डिफरेंस होता है वो कुछ फैसिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। जैसे जो मेन डिफरेंस है आपका वो होटल्स का होता है, होटल की कैटेगरी अच्छी प्रोवाइड करी जाती है कॉस्टली पैकेज में, और जो नॉर्मल जो होटल होते हैं वो सस्ते पैकेजेस में प्रोवाइड करे जाते हैं। फैसिलिटीज़ की दूसरी में बात करूं तो वॉल्वो की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 800 से उठा करके वॉल्वो 1500-1600 तक जाती है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट जो होता है जब आप मनाली विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर जो साइटिंग होती है, लोकल साइटिंग तो सभी लोग आपको इंडिविजुअल कार से प्रोवाइड कर देंगे ऑल्टो से, लेकिन उसके बाद जो सोलन वैली है और जो आपका मणिकरण गुरुद्वारा है, जो आपका रोहतांग पास है, वहाँ पर अगर आप सस्ता पैकेज लेकर के जाएंगे, बजट पैकेज लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर आपको शेयरिंग कार प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल कार लेकर के जाएं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये मेन दो तीन फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड वेरी करते हैं यहाँ की कॉस्ट को। तो इस तरह से कॉस्ट डिवाइड होती है, यह आपको सेलेक्ट करना है कि आपको बजटेड पैकेज चाहिए या आपको ऐसा पैकेज चाहिए जिसमें आपको लग्जरी मिले। महंगा पैकेज अगर लेते हैं तो लग्जरी मिलेगी, फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, सस्ता पैकेज लेते हैं तो वहाँ भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ऐसा मेरे ख्याल से मेरे को कभी भी सुनने में नहीं आया कि फैसिलिटीज़ नहीं मिली। हाँ ये होता है कि फैसिलिटीज़ कम अच्छी मिलती हैं या ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अरविंद कुमार जी का सवाल है, आज की डेट में रोहतांग भी जाने को मिल जाएगा, ये इंक्लूड है कि नहीं है इसके अंदर। तो मैं अरविंद कुमार जी आपको बता देता हूँ कि रोहतांग पास खुलने का अपना एक टाइम होता है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, सर्दियाँ लगभग स्टार्ट हो रही हैं, तो रोहतांग पास शायद अब जाने को आपको नहीं मिलेगा। आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक, मई के एंड तक रोहतांग पास जाके खुलता है। तो यहाँ पर इन महीनों में आपको रोहतांग पास जाने को नहीं मिलेगा। आप सोलांग वैली जा सकते हैं, और जहाँ तक सोलांग वैली की बात करें तो सोलांग वैली किसी जन्नत से कम नहीं है। एक बार जा करके देखो स्नोफॉल में, मैं तो कई बार गया हूँ स्नोफॉल के दौरान, आपको बिल्कुल जैसे रोहतांग पास का एक्सपीरियंस है उससे भी शायद अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, पैराग्लाइडिंग आपको वहाँ पर करने को मिल जाएगी, आपको वहाँ पर स्नो स्कूटर मिल जाएगा, आपको वहाँ पर याक की सवारी मिल जाएगी, जो टायर से फिसलते हैं वो मिल जाएगा, स्कीइंग मिल जाएगी। सोलांग वैली के अंदर रोपवे भी है जो आपका रोहतांग पास में नहीं है,
तो रोपवे से भी आप आनंद ले सकते हैं नज़ारों का। तो सोलांग वैली किसी भी तरह से कम नहीं है, लेकिन अगर आप सर्दियों के दिनों में जाते हैं तो सिर्फ सोलांग जाएंगे, और गर्मियों में मई के अंदर अगर आप जाते हैं एंड में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, तो आपको रोहतांग पास जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये 100% नहीं कि रोहतांग पास जाने को मिलेगा, क्योंकि रोहतांग पास में रेस्ट्रिक्शन बहुत सारी हैं, जो वहाँ पर ग्रीन एनवायरनमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा करके रखता है। किस्मत की बात है कि आप रोहतांग पहुँच जाएँ, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं रोहतांग से पहले ही आपको उतार देते हैं, जैसे मेरे को पिछली दो बार उतार चुके हैं, वहीं पर बोल देते हैं कि आप घूम लीजिए, तो रोहतांग पास का एक्चुअल एक्सपीरियंस भी नहीं होता और आपकी कॉस्ट भी वहाँ पर लग जाती है। तो इससे बेटर है कि आप रोहतांग से अच्छा है कि अगर आपको रोहतांग पास जाने को नहीं मिल रहा है गर्मियों के दिनों में, तो आप सोलांग वैली ज़रूर चले जाएं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, यहाँ पर रोशन जी मुझसे पूछ रहे हैं, सर ट्रेन कब से चलेगी एज नॉर्मल, मुझे ट्रेन से जाना था फ्रॉम भुवनेश्वर। तो रोशन जी, ट्रेन की बात करें तो दिल्ली से डायरेक्ट मनाली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, या किसी भी स्टेट से मनाली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं आती है। अगर आप ट्रेन की बात करें तो आसपास की स्टेट से, जैसे पठानकोट तक आपको ट्रेन मिल जाएगी, आप वहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, या तो ट्रेन का डायरेक्ट कोई भी रूट नहीं है जो मैं आपको बताऊं, आपको वाया वॉल्वो से होता हुआ जाना पड़ेगा मनाली, और वही सबसे बेटर ऑप्शन है। या अगर आप अपनी कार से जाते हैं, पर्सनल कार से, तो उसके क्या कहने, इंजॉय करते हुए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हम लोग ले लेते हैं, जो हमारा लास्ट 10वां सवाल है शिवम उपाध्याय जी का, मुझसे पिछले साल वॉल्वो स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो वॉल्वो की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर, कि अभी हमारे ट्रैवल एजेंट्स हालांकि वॉल्वो के साथ ही पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरे को पता लगा है, मैंने खुद जाकर के पता लगाया, और मेरे को और भी बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स बता रहे हैं मेरे, कि वॉल्वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर 4 अक्टूबर की हम बात करें तो वॉल्वो के थ्रू कोई भी अभी ट्रैवलर नहीं जा पा रहा है, बद्दी तक ही आते हैं, आई थिंक हरियाणा के लास्ट बॉर्डर तक ही अभी बद्दी तक ही जा रही हैं, उसके बाद वॉल्वो नहीं जा रही हैं, वहाँ पर अभी एंट्री नहीं मिल रही है। जो ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट्स वॉल्वो के नाम पर पैकेज बेच रहे हैं, वहाँ पर जब आप जाएंगे आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन, या अगर आप मजनू के टीले पर जाएंगे, तो टेम्पो ट्रैवलर पर वहाँ पर जो है आपको वहाँ से भेजा जा रहा है, जो AC के साथ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर जानी है। लेकिन जो वॉल्वो की कंफर्टेबिलिटी है वो टेम्पो ट्रैवलर के अंदर नहीं आती है। तो आप कभी भी जाएं अक्टूबर के महीनों के अंदर या आगे नवंबर में जाएं, तो आप पहले से पता कर लीजिएगा कि वॉल्वो स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, ट्रैवल एजेंट से पूछ करके ही जाइएगा। तो ये टोटल 10 सवाल हो चुके हैं। लास्ट सवाल मैंने खुद आपको बताया था कि मैं अपना खुद का एक सवाल ले रहा हूँ, जो किसी ने भी नहीं पूछा, क्या अभी आपको मनाली या शिमला की बात करें, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरी अगर खुद की आप पर्सनल सलाह पूछें, तो शायद अभी आपको रुक के जाना चाहिए, नवंबर के एंड या दिसंबर में जाना चाहिए, क्योंकि अभी COVID-19 की सिचुएशन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा रिलीफ उसके अंदर नहीं आया है। तो मैं आपको सलाह ही दूंगा कि पैकेज अभी बुक करवा लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ पे इशू आने वाले हैं, बहुत सारे ट्रैवलर जाएंगे दिसंबर या नवंबर के एंड में, जनवरी में। तो अभी से बुक करवा लीजिए जल्दी से, और उसके बाद अपने जो होटल्स हैं उनको आप बुक करवा के रखिए, और अभी आप मत जाइए। जब आप दिसंबर के अंदर जाएंगे तो सिचुएशन आई थिंक बहुत ज़्यादा बेटर आ जाएगी, हो सकता है वैक्सीन भी आ जाए तब तक, और पूरी तरह से आप अपने आप को सेफ रख के, फैमिली को सेफ रख के यात्रा करिए शिमला की, मनाली की। इस वीडियो से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल अभी रह जाते हैं, तो वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। YT भारत चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो यहाँ पर रेड बटन आ रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब करो, ऑल बटन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। वीडियो अगर अच्छा ये लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, फ्रेंड को जा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप जो शेयर जरूर करना। मिलते हैं YT भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।